माना माना चाहिए देश में। क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से फैसला लिया है, इस बार कूड़ा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी सफाया होगा। मुख्यमंत्री ने कहा 2017 के पहले गुंडों की सरकार थी, उसके पैसे दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। मेरे पत्रकार साथी, मुख्यमंत्री जी ने कितने केस वापस लिए? क्या धारा 307 वापस नहीं लिए? क्या उन पर जो मुकदमे थे दंगे और उस तरह के वापस नहीं लिए? क्या डिप्टी सीएम कोई सोच सकता है चंदे की पर्ची फर्जी छपाई हो उस पर मुकदमा हो गया हो? आपके डिप्टी सीएम की क्या है, यही मुकदमा हाईकोर्ट में चला कि नहीं चला? तो इनसे बात मत करिए। जब ये कूड़ा नहीं हटा पाए, महंगाई नहीं कम कर पाए, बेरोजगारी नहीं खत्म कर पा रहे, मुख्यमंत्री जी कहते हैं 100 में 4 बेरोजगार हैं, इनकी बात को कौन मान लेगा? जो लोग सड़कों पर सांड के हवाले व्यवस्था कर रहे हैं, आज भी अखबार पढ़ोगे तो एक नौजवान सांड से टकरा करके उसकी जान चली गई। जो लोग सड़क पे नहीं सांड हटा पा रहे हैं और स्मार्ट सिटी का सपना दिखा रहे हैं, स्मार्ट सिटी, इनसे पूछो स्मार्ट सिटी होती क्या है? इन्होंने इतना पैसा लूटा है कि बीजेपी के लोग की शक्लें देखो तो स्मार्ट हो गई है, लेकिन सिटी स्मार्ट नहीं हुआ। देखिए, ये पुलिस को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पुलिस को चला रही है बीजेपी। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है, और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं, समाज को बांट के चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, ऐसा भाई क्या बातें करें? बजरंग बली को कौन बैन कर लेगा? कौन बैन कर लेगा? अगर योगी जी भी चाहेंगे तो नहीं बैन कर पाएंगे। के साथ साथ बीजेपी की बंटवारा उसमें भी हमारा, ये 100 में 75 में पिछड़े दलित और मुसलमान हैं, क्या उनकी बातें कर रहे थे? बड़ी खुशी की बात है अगर 75 से ज्यादा पिछड़े दलित और मुसलमान भाइयों को हक दिलाना चाहते हैं तो केसर जी को तो योगी जी को हटा करके मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। दिल्ली में रेस्टोरेंट के सपोर्ट में राकेश टिकैत आ गए, क्या आप भी जाएंगे? मुझे उम्मीद है कि ये बीजेपी की सरकार और दिल्ली और लखनऊ जो बेटी बचाओ का नारा देते थे, जांच कर करके न्याय दिलाएंगे। उससे कहो जो पर्ची छपवाई थी वो समाप्त हो गई, पर्ची अभी भी बची हुई है।